अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी खबर। जंग शुरू, चीन पर मिसाइल हमला कर दिया गया। पीर की सुबह चीनी लड़ाका हथियारों ने मुख्तसर वक्त के लिए ताइवान और चीन के दरमियान हसास मंत्री पेटी पार की, जिस पर ताइवानी फजाइया ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ताइवान के वजारत दफा का कहना है कि पीर की सुबह चीनी लड़ाका हथियारों ने मुख्तसर वक्त के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान हसासी समंदरी पेटी पार की, जिस पर मुल्की फजाइया ने उन्हें वापसी जाने पर मजबूर कर दिया। ताइवान ने इस दौरान तियारा शक्कन मिसाइल भी दागे। दूसरी जानिब हुकूमत ने कहा कि अमरीकी वजीर सेहत एलेक्स अजर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमायत के अजहार के लिए इतवार को चीन का एक रोजा दौरा किया। खबर सहादारे के मुताबिक ये किसी आला तरीन अमरीकी अहदेदार का गुज़िश्ता 40 बरस में ताइवान का पहला दौरा है, जिसकी चीन ने मजम्मत की है। इसका दावा है कि ताइवान इसकी मलकियत है और अमेरिकी वजीर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। चीन ने अमेरिकी वफद के दौरे पर जवाबी कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन इसकी वजाहत नहीं की थी। ताइवान की फजाइया के मुताबिक पीर की सुबह 9 बजे के करीब चीन के J-11 और J-10 तैयारे सास और तंग समुद्री पट्टी पार करके कुछ देर के लिए ताइवान के इलाके में दाखिल हो गए। इसकी कुछ देर बाद अमरीकी वजीर सेहत ने ताइवान की सदर साई एंग वैन से मुलाकात की। 2016 के बाद चीन ने तीसरी बार ताइवान में अंदाजी की है।